बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग दुआ की कबूलियत को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। हम नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की राह में सजदे करते हैं, खैरात करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुन रहा। लेकिन अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने हर चीज़ का इलाज बताया जो इस्लामिक बातें हैं। हमने अपने बच्चों को तलीम दी। हम लोग आज की दुनिया में हम अपने बच्चों को इस तरफ मुतवज्जा करते हैं कि वो BSIT कर ले, MA कर ले, ICOM करे, FSC करे, लेकिन हमने दीनी तलीम से उनको बहुत दूर रखा है। इन सारी बातों के मालूमात नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहदीस शरीफ में रखी। इन सारी बातों का उनमें बताया जाता है। तो उन बातों पर अगर गौर करें, आपके ये मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएं। तो दुआ की कबूलियत का नुस्खा जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने वो भी अहदीस शरीफ में फरमाया है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दुआ करो तो अपने हाथ इतने बुलंद कर लो कि तुम्हारी बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो। और एक अहदीस शरीफ में फरमाते हैं कि सीने के बराबर आपके हाथ हों या फिर कंधों के बराबर। और उसी हदीस शरीफ में फिर फरमाया कि आपके हाथ इतने बुलंद हों कि आपके बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाए। और फिर अल्लाह से कहा जाए और दुआ मांगने में जल्दी ना की जाए। तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हा पूछते हैं, आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जल्दी से मुराद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जल्दी से मुराद ये कि अल्लाह से कहा जाए कि मैंने मांगा और मुझे दिया ना गया। और एक अहदीस शरीफ में फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो तो दुआ इस तरह किया करो, जल्दी ना किया करो, और पहले अल्लाह की अजमत की बड़ाई किया करो, अल्लाह की बड़ाई बयान किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे दुआ किया करते थे कि अल्लाह तेरा ही है सब कुछ, मेरी जान तेरे कब्ज़े में है, मेरे पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा, मुझ पर रहमत फरमा, तू ही है दिन रात का मालिक, चांद और सूरज का मालिक, तेरे ही कब्ज़े कुदरत में सारी दुनिया है। तो पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, फरमाया जाए कि अल्लाह के कुन की मोहताज है सारी दुनिया, बेशक अल्लाह ही के कुन की मोहताज है, बेशक उसके ही कब्ज़ा कुदरत में ये सारी दुनिया है, हर चीज़ चरिंद परिंद जर्रा जर्रा उसके ही इशारे से चलता है। पहले अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए और फिर अपनी दुआ की जाए। तो बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। जज़ाकअल्लाह।